राजकुंद्रा को लेकर अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए गहना वशिष्ठ ऑलरेडी उनके फेवर में बयान दे चुकी हैं। इसके साथ ही वो ये भी बता चुकी हैं कि उनकी पॉर्न वीडियोस को लेकर गिरफ्तारी सही नहीं है। उन्होंने साफ साफ अपना पक्ष रखा और ये कहा कि वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही थी जिसे पॉर्न वीडियो की कैटेगरी में रखा जाए, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करना भी गलत था। अब रिसेंटली गहना वशिष्ठ ने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो शेयर किया। Hi guys, good morning. Hi Royal. So दोस्तों, मैं आप सबके सामने लाइव बैठी हुई हूँ। मुझे बताइए, क्या मैं वल्गर लग रही हूँ, क्या मैं चीप लग रही हूँ, या मैं ऐसी कहीं लग रही हूँ कि जिसे आप पॉन कंटेंट में काउंट कर सकें, ऐसी कहीं से मैं लग रही हूँ? हाय हरीश, हाय मोहम्मद, हाय अरविंदर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, थैंक यू। नो, माय कंसर्न इज टू आस्क यू ऑल कि क्या मेरी कोई भी एक्टिविटी ऐसी लग रही है जिसे आप पॉन की कैटेगरी में काउंट कर सकें, मुझे बताएं। थैंक यू, हाय, नो राइट, एंड बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ है, मैंने एक पॉइंट भी कहते हैं ना, मतलब मैंने कुछ नहीं पहना है, कुछ नहीं। अच्छा, ओके नंदी, हाँ मैंने जस्ट अभी रिपब्लिक पे ख़त्म किया। सो मेरा कहना है कि मैंने कुछ नहीं पहना है, बट आप फिर भी इसे पॉन की कैटेगरी में काउंट नहीं कर रहे हैं, राइट? और जो मेरे बाकी वीडियोस हैं जहाँ पे तो मैंने अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी उसे पॉन कह रहे हैं, ये तो गलत बात है ना यार। सोशल मीडिया पर लाइव आकर गहना ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को ये बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। और क्या ये वीडियो पॉर्न वीडियो की कैटेगरी में आएगा? इसके जवाब में उनके फैंस और फॉलोअर्स ने भी उनसे कुछ सवाल पूछे और ये जानना चाहा कि वो ये कैसे कह सकती हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पहना है। जिसके जवाब में गहना ने साफ तौर पर ये बताया कि वो बिल्कुल सच कह रही हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पहना है, और आज उनके लाइव आने का कारण ही यही था कि वो अपने फैंस फॉलोअर्स से ये जानना चाहती हैं कि जिस वीडियो में उन्होंने कुछ नहीं पहना है, क्या वो पॉन की कैटेगरी में आएगा, या फिर वो वीडियो जिन वीडियोस में उन्होंने प्रॉपर कपड़े पहने हैं वो पॉन वीडियो की कैटेगरी में आएगा। गहना अपने इस वीडियो के जरिए अपने चाहने वालों से ये जानना चाह रही थी कि जब उन्होंने शूट के वक्त कपड़े पहने हुए थे तो फिर उनको ऐसे इल्जामों के लिए गिरफ्तार क्यों किया गया जो पॉन की कैटेगरी में आते हैं, जबकि राजकुंद्रा अरेस्ट केस में हर दिन नए अपडेट्स हो रहे हैं और ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। ऐसे में गहना की अपनी सफाई देते हुए इस वीडियो को शेयर करना थोड़ा सा कानून व्यवस्था के प्रति उनकी असहमति जरूर दर्शाता है। गहना का ये वीडियो उनके फैंस पर क्या असर दिखाता है? बॉलीवुड 2 मिनट्स की रिपोर्ट।